हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे माइटोसिस की। तो ये माइटोसिस जो है उसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माइटोसिस क्या है। तो हमें पता है कि माइटोसिस जो है वो एक प्रकार का सेल डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल से दो सिमिलर डॉटर सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और उसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है मदर सेल के, ठीक है। माइटोसिस इज अ फेज इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनऑल्टर्ड इन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी, ठीक है। वही मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है मदर और प्रोजेनी के बीच में। जैसे अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि जो हम जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 है, और हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स होने की वजह से वो डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो जो दोनों डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनका भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा, वो 46 होगा, यानी कि 23 पेयर्स होंगे, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं वो डिप्लॉइड है, ठीक है बच्चों। तो मियोसिस की मुख्य रूप से दो स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं? दो स्टेजेस होती हैं, और वो दो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं कि क्रायोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है, ठीक है। तो जो क्रायोकाइनेसिस है, क्रायोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मींस होता है मूवमेंट। तो बेसिकली क्रायोन मींस क्या है? न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मींस है मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रायोकाइनेसिस वह पहली स्टेप होती है जहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम्स का, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेक्रिक्रेट होते हैं, यानी कि सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और इसी के आधार पर हम बोलते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। तो वो कैसे सेक्रिक्रेट होते हैं वो हम आगे समझेंगे। अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, किसकी? साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में जो ये है साइटोस, इसका मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मींस वही मूवमेंट। तो यहाँ पे डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। भैया सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया वही काफ़ी नहीं है ना, जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म का वो भी तो दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उसमें इक्वल अमाउंट में जाएगा। तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। तो पहला क्या होता है, पहले क्रायोकाइनेसिस होता है, उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो जो क्रायोकाइनेसिस है उसमें जो पहली स्टेप होती है वो होती है प्रोफेज, दूसरी स्टेप होती है मेटाफेज, तीसरी स्टेप होती है एनाफेज, और चौथी होती है टीलोफेज। तो बच्चों आज हमने बात किया कि जो मेन स्टेजेस होती हैं मियोसिस माइटोसिस की, जो कि थी क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो क्रायोकाइनेसिस में चार मुख्य स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बस जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है।